दोस्तों, क्या आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एज लाइट आप लाइटिंग इनेबल करना चाहते हैं, यानी कि आप बॉर्डर लाइट आप इनेबल करना चाहते हैं, तो कैसे आप इनेबल करेंगे? क्योंकि जब हम अपने मोबाइल फ़ोन में बॉर्डर लाइट इनेबल कर लेते हैं तो हमारा मोबाइल फ़ोन बहुत ही देखने में सुंदर लगता है, और अगर आपका फ़ोन कोई भी देखेगा तो वो आपसे पूछने पर मजबूर भी हो जाता है कि यार आपने ऐसा कैसे किया। तो आखिरकार अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर आप यहाँ पर इजिंग लाइट होती हैं उसे आप कैसे इनेबल करेंगे, कैसे आप उसे चालू करेंगे, अपने बॉर्डर में लाइटिंग आप कैसे चालू करेंगे, और अपने नॉइज को आप अपने हिसाब से मैनेज कैसे करेंगे, सारा का सारा इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में पता चल जाएगा। बस आपको इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना होगा और आपको डिटेल्स में बताएंगे, और एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आप सारा काम ये कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन की आप स्क्रीन पर लाइटिंग लगा सकते हैं, एज लाइटिंग जिसे बोलते हैं, जिसे आप कह सकते हैं बॉर्डर लाइटिंग। तो कैसे आप इनेबल करेंगे? सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको अपने फ़ोन में उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। यह एप्लीकेशन कुछ ऐसे तरीके से आपको दिखाई देगा जब आप इसे डाउनलोड करके ओपन करेंगे। कोई भी आपको फेक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको कोने में देखने को मिलेगा एक बटन नेक्स्ट का, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको एक बटन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको कंटिन्यू या आपको एक बटन मिलेगा स्टार्ट, आप उस पर क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा क्योंकि इस एप्लीकेशन को लोडिंग लेने में कम से कम 10 या 15 सेकेंड का समय लग जाता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। अभी हमारे सामने आ चुका है नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लोडिंग होगा, आपको मिलेगा स्टार्ट बटन, आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा और हम इंतज़ार कर लेते हैं। जैसे हम इंतज़ार करेंगे हमारे सामने स्टार्ट बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, इसे हम यहाँ से कट करेंगे। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक मिल जाता है कॉल स्क्रीन थीम, यानी कि अपने कॉल स्क्रीन का थीम भी चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद अपने लॉक स्क्रीन को मैनेज कर सकते हैं, अपने किसी भी एप्लीकेशन का आइकन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मिल जाता है एज लाइटिंग, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो अपने फ़ोन में एज लाइटिंग को आप चालू कर सकते हैं। यहाँ पर मिल जाता है रिंगटोन, यहाँ पर मिल जाता है फेक वीडियो कॉल, और यहाँ पर मिल जाता है वॉलपेपर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यूजफुल ये एप्लीकेशन है, और एक ही एप्लीकेशन में इतने सारे आपको फीचर मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर एज लाइटिंग के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप इनके बारे में सारा का सारा जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने पोस्ट लिखा हुआ है, तो ऐप को डाउनलोड करने से पहले उस पोस्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, आपको सारा डिटेल्स में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम एज लाइटिंग पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर एक लाइटिंग चालू हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक ये लाइटिंग है, ये हमारा ऐड है, ये पूरी तरीके से ऐड देखने को नहीं मिल रहा है, इस तरीके से हमें यहाँ पर ये वाइट पट्टी देखने को मिल रहा है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसे मैनेज करने का ऑप्शन। सबसे पहले इनेबल वॉलपेपर पर क्लिक करके अपने फ़ोन में एक ब्लैक वॉलपेपर सेट कर दीजिए, ये वॉलपेपर है। प्रीव्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इस तरीके से वॉलपेपर रहेगा। अब आपको यहां पर मिलेगा सेट वॉलपेपर, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। लॉक एंड होम स्क्रीन दोनों जगह पर आपको इसे सेट कर देना है, तो हम चलो इसे सेट कर देते हैं। मैंने इसे सेट कर दिया। अब यहां पर मिल जाएगा स्पीड मीटर, यानी कि यहां पर मिल जाएगा स्पीड, अपने जो यो अपने जो एजिटिंग लाइट है, यानी कि जो एज लाइटिंग है, ये आपका जो घूम रहा है स्थलंग चारुलंग, ये आपका लाइट का स्पीड कितना होना चाहिए। अगर आप और भी करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं, तो आप यहां से अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। आपके इस एज लाइटिंग में कितने कलर होने चाहिए, 3 होने चाहिए या 4 होने चाहिए, आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लाइट का कलर चेंज हो चुका है, इस वाला रखना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आइए, बॉर्डर का साइज कैसा रखना चाहते हैं, मोटा रखना चाहते हैं तो इस लंग साइड करेंगे, पतला रखना चाहते हैं तो इस लंग करेंगे, और भी ये पतला होता चला जाता है, तो आप अपने हिसाब से रख लीजिए जैसा आप रखना चाहते हैं। उसके बाद मिल जाएगा बॉर्डर साइज ऑन लॉक स्क्रीन, अगर आप इसे लॉक स्क्रीन पर रखना चाहते हैं तो आप इसे अपने हिसाब से इसे मैनेज कर लेंगे कि लॉक स्क्रीन पर हमारा किस तरीके से देखने को मिलना चाहिए। फिर आप इसे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि आपको अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, जो आपके ये कोने हैं ये आपके किस तरीके से होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस बॉटम, यानी कि जो आपके ये बॉटम साइड होते हैं ये किस तरीके से होना चाहिए, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मिलेगा नोच, आपका जो नोच है आपके फ़ोन में किस तरीके से है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसे,
तो आपको नोच का ऑप्शन मिल जाएगा, अपने हिसाब से इसे सेट कर लीजिए जितना आप सेट करना चाहते हैं। जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा हमारे फोन में कुछ इस तरीके से, तो इसे मैंने इतना सेट कर लिया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसे मैंने इस तरीके से सेट किया। थोड़ा सा नीचे आइए, इसे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से लंबा या बड़ा कर लेंगे। यहाँ से आपको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है जिस तरीके से आप रखना चाहते हैं अपनी नोच को। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने पूरी तरीके से सेट कर लिया है अपने फ़ोन के हिसाब से। ये इस तरीके से मैंने इसे पूरी तरीके से सेट कर लिया जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है, बैकग्राउंड इमेज। अगर आप यहाँ पर कोई बैकग्राउंड इमेज सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके अपना बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपके फ़ोन में ये लाइटिंग काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा काम करना स्टार्ट कर चुका है। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि अगर आप चार कलर लेना चाहते हैं तो चार भी ले सकते हैं, और इसे आप इस तरीके से कर लेंगे जैसा कि आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं किस तरीके से हमारे फ़ोन में लाइटिंग ये काम करना स्टार्ट कर चुका है। अब आप इसे पूरी तरीके से कट कर दीजिए, आपके फ़ोन में देख सकते हैं लाइटिंग आपके फ़ोन में चालू हो चुकी है जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर हम अपना लाइट बंद कर दें तो ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो आप इस तरीके से अपने फ़ोन में जो एज लाइटिंग होती है उसे आप चालू कर सकते हैं, अपने नोच को मैनेज कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर हैं, आप इस सारे के सारे फीचर का यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया है। तो इस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से अपने फ़ोन में अपना एज लाइटिंग चालू कर सकते हैं जो देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।